सपा पूर्व विधायक नंदिता शुक्ला को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में न्यायालय ने दोषमुक्त करार दिया। सपा की पूर्व विधायक नंदिता शुक्ला पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके दो जनसभाएं करने का आरोप लगा हुआ था, जिसके संबंध में गोंडा कचहरी के विशेष न्यायालय MPMLA न्यायालय पर मुकदमा चल रहा था। आज दिनांक 23 दिसंबर 2022 को विशेष न्यायालय MPMLA की जज सुश्री सुषमा ने सपा की पूर्व विधायक नंदिता शुक्ला को दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। मामले की पैरवी तेज तरार अधिवक्ता महेश तिवारी व आलोक मिश्र एवं उनकी समस्त टीम ने प्रभावी तरीके से की। उक्त मुकदमे में 12 दिसंबर को अधिवक्ता महेश तिवारी व आलोक मिश्रा ने फाइनल बहस किया था। न्यायालय ने बहस सुनने के पश्चात निर्णय सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज खुले न्यायालय में सुनाते हुए आरोपी पूर्व विधायक नंदिता शुक्ला को मामले में दोषमुक्त कर दिया। अपना पर्चे बता दीजिए और जो आपके पास विधायिका जी का आपका जो केस देख रहे थे उसमें जनसभा को लेकर के कुछ एलिगेशन लगे थे, क्या था पूरा मामला और क्या? जी, मेरा नाम एडवोकेट महेश तिवारी है और ये आलोक मिश्रा जी हैं, उदिन साहब, बलराम बाबू शुक्ला जी हैं, मुनू भैया हैं, सब लोगों ने हम लोगों के पास एक केस आया, आदरणीय विधायिका जी का एक मामला था नंदिता शुक्ला जी का। इसमें 2022 में हम लोग को जानकारी मिली कि ऐसा एक मुकदमा है आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का। तो हम लोग न्याय प्रक्रिया से जुड़े हैं, न्यायालय के सहयोग में कार्य करते हैं, लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करते हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं कि न्यायालय ये सर्वोपरि है और न्याय की जीत अंत में होती है। ना ये हम लोगों की जीत है, ना ये आदरणीय नंदिता शुक्ला जी की जीत है, ना ये अन्य किसी की जीत है, ये सिर्फ सत्य की, न्याय की, न्यायपालिका की जीत है। और हम लोगों को पूरा भरोसा था, उसी भरोसे के आधार पर हम लोग कार्य कर रहे थे। आज उस भरोसे की भी जीत हुई है, आदरणीय नंदिता शुक्ला जी बरी हुई है, हम लोग काफी प्रसन्न हैं। सब्सक्राइब करें जनरथ एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे